हाय व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस, फन और इन्वेंशंस की एक बिल्कुल नई दुनिया में आपको वेलकम करते हैं। आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे अमेजिंग इन्वेंशंस और गैजेट्स को देखने वाले हैं। तो आराम से रिलैक्स होके बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर 5, आउटरनर रोबोट। दोस्तों, आउटरनर रोबोट दुनिया का पहला ऐसा रिमोट कंट्रोल वाला रोबोट है जो 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ता है। आउटरनर रोबोट को लगातार आपके साथ रहने के लिए बनाया गया है और इसके परफॉर्मेंस की झलक इसके आसान इस्तेमाल और सिंगल चार्ज पर 2 घंटे चलने वाली इसकी लंबी बैटरी टाइमिंग में नजर आती है। दोस्तों, ये रोबोट अपग्रेड भी हो जाता है। इसका आउटरनर कोर मॉडल खास तौर पर एंटरटेनमेंट और गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका दूसरा मॉडल आउटरनर परफॉर्मेंस सीरियस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर्स की मदद से ये रोबोट आपके दोस्तों के साथ किसी भी रेस का मजा दुगना कर देते हैं। दोस्तों, आउटरनर रोबोट सुरक्षित भी है और वाईफाई चिपसेट द्वारा इनको ऑपरेट भी किया जा सकता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए में इसे खरीद सकते हैं। नंबर 4, पास्ता मेकर। दोस्तों, अगर आपको पास्ता पसंद हो तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नॉर्मली तो आपको बाहर से पूरा मटेरियल परचेज करके लाना पड़ता है पास्ता बनाने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो घर में ही बहुत ही आसानी के साथ इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक हैंड ऑपरेटेड गैजेट होता है जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ अपने घर बैठे ही पास्ता मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसमें काफी सारे साइजेस के ब्लेड्स लगे होते हैं जिससे कि आप पास्ता तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही इसमें साइज को सेट करने के लिए भी अलग अलग सेटिंग होती है जिन्हें आप नॉर्मली अपने हाथों से ही एडजस्ट करके अलग अलग साइज में बना पाएंगे। साथ ही आप इस गैजेट का इस्तेमाल नूडल्स को तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का छोटा सा गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके किचन के लिए। नंबर 3, ईचाइन पैराग्लाइडर ड्रोन। दोस्तों, आपने पबजी जैसे गेम्स में पैराग्लाइडर तो अक्सर की होगी, लेकिन रियल लाइफ में ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा फील करना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉय ड्रोन का। ये एक ऐसा अमेजिंग पैराग्लाइडर ड्रोन होता है जिसमें छोटे छोटे रोटर फैंस लगे होते हैं जो कि दिखने में एक पैराशूट जैसे ही लगते हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिससे कि आप इसकी लोकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कहां पर लैंड कराना है। अगर आप चाहें तो इस ड्रोन को कुछ इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं कि आप कैरेक्टर को ऊपर कर सकते हैं और ड्रोन के रोटर फैंस को नीचे, जो कि दिखने में एक फ्लाइट बोट की तरह ही लगता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये एक DIY प्रोजेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल आप ढेर सारी मौज मस्ती के लिए कर पाएंगे और कीमत भी इसकी कुछ खास ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से आप इसे बहुत ही आसानी के साथ परचेस कर सकते हैं। नंबर 2, डांसबोट। दोस्तों, आपने काफी सारे ऐसे बड़े बड़े रोबोट्स देखे होंगे जो कि इंसान के साइज से भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये रोबोट दिखने में भले ही थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन ये आपको काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला हो सकता है। इसके पैरों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी भी पीठ पर आसानी से मूव कर सकता है और साथ ही इसमें 360 रोटेशन जैसे फीचर्स होते हैं और इसे इंसान जैसा लुक देने के लिए इसमें 2 छोटी-छोटी आईज भी होती हैं।
दोस्तों ये रोबोट किसी भी टाइप के सॉन्ग पर आसानी से डांस कर सकता है और खास तौर पर इसे डिजाइन किया गया है बच्चों के खेलने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके का रोबोट आपके बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। नंबर वन, शेफमैन फोर टेबल मिनी फ्रिज। दोस्तों अगर आप ट्रैवल वगैरह पर कहीं बाहर जाते हो तो ये गैजेट यकीनन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप किसी ट्रिप पर होते हैं तो अपने साथ काफी सारी खाने पीने की चीजें ले जाते हैं, इसीलिए आपको एक छोटे से पोर्टेबल फ्रीजर की जरूरत पड़ती है जिससे कि आप उसे ठंडा रख सकें। तो इसमें ये गैजेट आपके लिए एकदम परफेक्ट फ्रिज की तरह काम करेगा। ये 4 लीटर का छोटा सा फ्रिज होता है जिसका इस्तेमाल आप ट्रैवल पर्पज के लिए कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो इस फ्रिज से एक हीटर का काम भी ले सकते हैं, यानी कि चीज़ों को गर्म करने में भी ये आपकी मदद कर सकता है और ठंडा रखने के लिए तो ये आपके लिए परफेक्ट मीडियम है ही। तो दोस्तों ये छोटा सा फ्रिज काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार फीचर्स के साथ आता है, तो इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों इस अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है एंड मुझे बताइए इस वीडियो का कौन सा गैजेट आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करके अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो एंड स्क्रीन के इन दो वीडियोस को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।